नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे। घर की खुशहाली के लिए जो मुख्य द्वार का महत्व होता है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी भवन या ऑफिस के मुख्य द्वार का बहुत महत्व होता है। घर की खुशहाली के लिए परम आवश्यक है कि सबसे पहले उसके मुख्य द्वार की दिशा और दशा को बिल्कुल ठीक किया जाए। जैसे मानव शरीर में जो महत्व हमारे मुख का है, वही महत्व किसी भी भवन के मुख्य द्वार का होता है। इसीलिए मुख्य द्वार को हमेशा अन्य द्वारों की अपेक्षा बड़ा और सुसज्जित रखना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार पर लोग कलश, खूबसूरत बदनवार, अशोक, केले के पत्तों, ओम और स्वास्तिक चिन्हों से सुसज्जित करते हैं और उसके करने की प्रथा आ रही है चली। दोस्तों, हम आपको घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ खास महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुख्य द्वार से संबंधित कुछ खास बातों को जान लेते हैं, उसके बाद आपको उनके उपायों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मुख्य द्वार भवन की जिस दिशा में हो उस दिशा को 9 समान भागों में बांटकर 5 भाग दाहिने ओर से और 2 भाग बाईं ओर से छोड़कर बीच के शेष भाग में ही मुख्य द्वार बनाना शुभ रहता है। भवन के मुख्य द्वार का आकार दोस्तों भवन के अन्य द्वारों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। वहीं भवन के मुख्य द्वार के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को काफ़ी अच्छा माना गया है। मुख्य द्वार को जितना संभव हो सके मध्य पश्चिम या दक्षिण में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार 4 भुजाओं की सॉकेट वाला बनाना चाहिए, अर्थात इसमें दहलीज भी होनी चाहिए। दहलीज युक्त भवन का मुख्य द्वार अति शुभ माना जाता है, और ये मान्यता है कि बिना दहलीज के कोई भी मुख्य द्वार में उस भवन में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती या नहीं टिकती है। ऐसे में घर के सदस्यों के बीच संस्कारहीन हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि दहलीज वाले घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी के भी द्वारा किया गया बुरा कर्म भवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर दोस्तों इस जो मैं बातें बता रहा हूँ ये नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक खास उपाय आपको आगे बताने वाला हूँ, वो करने से ये वास्तुदोष दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, खास बात का ध्यान भी रखना है कि ऑफिस में दहलीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मान्यता है इससे ऑफिस के कार्यों में अवरोध आता है। आपके घर के प्रवेश द्वार पर सदैव अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोग आपके घर के प्रवेश द्वार को अच्छी तरह से देख सकें और उसकी आती हुई रोशनी अति उत्तम लगे। दोस्तों, धन कमाने के लिए हर व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है। वैसे तो धन का महत्व प्राचीन काल से ही बहुत आता, लेकिन आज के इस दौर में धन कमाना आसान बात नहीं रह गई है, क्योंकि इस आधुनिक दौर में दोस्तों धन कमाना सबसे बड़ी चुनौती है। और दोस्तों, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि व्यक्ति को धन कमाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को मेहनत के बाद भी परिणाम ना मिले तो परेशान होता है, और ऐसा होना लाजमी भी है। इस परेशानी का समाधान खोजने के लिए तरह तरह के वो उपाय करता है, क्योंकि धन की कमी हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी रहती है। पैसे की किल्लत इंसान को हर पल मारती है, इसीलिए दोस्तों इसका समाधान ज्योतिष में बताया गया है, जिनसे मेहनत करने वाले व्यक्तियों को उनकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है और इससे उनके घर में बरकत बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी अपने सगुणों से घर में बरकत लाती है, चाहे वो घर की बेटी हो या बहू हो। दोस्तों, शास्त्रों में भाग्यशाली महिलाओं के भी कई लक्षण बताए गए हैं। घर की महिलाएं अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वहीं यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो महिलाएं जो आज मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय करके अपने घर को खुशहाल बना सकती हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है, साथ ही उसके हर काम बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, घर का मुख्य द्वार का ये छोटा सा उपाय करके
उन समस्याओं से बचा जा सकता है और उन समस्याओं का समाधान भी यही उपाय होता है। दोस्तों, आपने सप्ताह के किसी भी दिन आपने उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको घर के दरवाजे मुख्य दरवाजे के पास जूते चप्पल नहीं रखना है, उसके लिए अलग से एक आप व्यवस्था कर सकते हैं और घर के दरवाजे के पास एक काले रंग का पायदान जरूर रखें। इससे घर में नज़र नहीं लगती है और घर में सकारात्मकता आती है और घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। साथ ही प्रवेश द्वार के पास गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, कूड़ा कचरा साफ करके रखें और उससे मुख्य द्वार को सजाएं। उसके बाद घर की औरतें घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर झाड़ू लगाएं और उसकी साफ सफाई अच्छी तरह से करें। साथ ही हल्दी के पानी का छिड़काव अच्छी तरह से कर लें। अब दोस्तों, घर के पायदान को साफ करके आपने रखना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो ख़त्म हो जाती है, जो भी टोने टोटके होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जीवन में आ रही लगातार असफलताओं से मुक्ति पाने के लिए आपने घर के जो मुख्य द्वार का पायदान होता है उस पायदान के नीचे आपने फिटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख देना है। और दोस्तों, अगर आपके घर में और कमरे हैं और उन कमरों के आगे पायदान हैं तो आपने उस फिटकड़ी के टुकड़े को पीस कर छोटी सी पुड़िया रखें बना लें और उस पुड़िया को उस पायदान के बीचों बीच लगा दें या रख दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसकी जगह दोस्तों पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, अगर आप फिटकरी का टुकड़ा नहीं रख सकते तो पीसी हुई फिटकरी की पुड़िया बनाकर घर के मुख्य द्वार के नीचे भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से टोने टोटके संबंधी जितनी भी समस्याएँ आती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। और दोस्तों, जो घर में नकारात्मकता फैली रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उसकी जगह घर में सकारात्मकता आ जाती है। किसी भी धंधे में भी आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी दुकान के पायदान के आगे भी इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से उस घर में सकारात्मकता आती है। सकारात्मकता जहाँ होती है वहाँ पर हर कार्य धीरे धीरे सफल होने लगता है। इसीलिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे आप रोज़ाना करें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को सजाने में वास्तुशास्त्र बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। अगर हम अपने वास्तुशास्त्र के अनुसार वहाँ पर सामान सजाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इससे हमारे घर पर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की बड़ी कृपा होती है। दोस्तों, जहाँ पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर दोस्तों घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, वहाँ पर खुशियाँ बरसती है, सुख समृद्धि रहती है और आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। इसीलिए घर में हमेशा सकारात्मकता का माहौल बनाए जिससे घर का हर कार्य शुभ हो, हर कार्य सफल हो, अपने सही अंजाम तक पहुँचे। दोस्तों, एक खास बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप घर में दो दरवाजे बनवाते हैं, जैसे एक मुख्य द्वार होता है, एक पिछला द्वार कई लोग बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो घर के दो मुख्य द्वार होते हैं वो एक सीध में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से उस घर में कभी भी धन की देवी लक्ष्मी नहीं रहती है, वो मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और घर के पिछले द्वार से निकल जाती है। इसलिए इस खास बात का भी अवश्य ही ध्यान दें। और दोस्तों, घर का जो पिछला दरवाज़ा हो वो मुख्य द्वार से छोटा होना बहुत ही आवश्यक है, उसके बराबर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा छोटा और संकरा बनाए तो वो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।